हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम और आज की हमारी रेसिपी है दाल मखनी। ये लगभग सबको बहुत पसंद होती है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। ये सबसे पहले मैंने ये रात में दाल भिगो दी थी और इसमें मैंने थोड़ी सी राजमा भी डाली है। आप ये समझ लो कि उड़द की 1/4 मेरे पास इसमें राजमा है। आप चाहो तो खाली उड़द की भी बना सकते हो। अब मैं इसको नेक्स्ट डे थोड़ा रब कर रही हूँ। थोड़ा सा आपने इसको रब करना है ताकि इसमें पॉलिश या कुछ भी पेस्टिसाइड्स हो सब निकल जाएंगे। अब इसमें जितना बॉईल करने के लिए आपको पानी चाहिए उतना पानी ऐड कर दें। और ये मैंने अभी पहले बड़ी इलायची डाली थी और ये 2-3 लौंग मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सॉल्ट और ये हल्दी। बस अब इसको 4 से 5 सीटी लेके इसको हम बॉईल करेंगे। जब हमारी दाल बॉईल हो जाए तो उसके बाद अब चलते हैं तड़के की तैयारी की। और ये मैंने कढ़ाई में ले लिया है बटर। आप देसी घी में भी तड़का लगा सकते हो या बटर में आप लगाएं। अब दाल मखनी बन रही है तो मक्खन तो थोड़ा होना ही चाहिए। तो अब मेल्ट हो चुका है हमारा मक्खन, तो इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जब जीरा हमारा थोड़ा हो जाए तो ये इसमें गया तेज़पत्ता। अभी मैंने कुछ मिर्च काट के रखी थी, हरी मिर्च। इसको भी आप इसी टाइम पे इसमें डाल दें। जब ये सारा मसाला हमारा हो जाए तो आप इसमें ये मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बनाया था, इसको भी इस टाइम पे ऐड कर दें इसमें। अभी हमारा जब मसाला हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखी नहीं होती है। और इसमें मैं अब कुछ हल्दी ऐड करूँगी। और मैंने प्योरे बनाया था ये चार टमाटर का, रेडीमेड भी आती है मार्केट में, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप घर पे। इसमें थोड़े टमाटर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और अब टमाटर गए हैं तो इसमें सॉल्ट भी जाएगा साथ में। और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारा ऑयल अलग हो चुका है, तो ये साइन है कि हमारे इस टाइम टमाटर भी हो चुके हैं। सारा मसाला हमारा तैयार है, अब टाइम है इसमें दाल डालने का। तो हमने इसमें दाल ऐड कर दी है। इसको कुछ देर के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, पानी थोड़ी देर में ही डालेंगे। अब आपको जितना पानी चाहिए आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी देर बाद। अब इसको हम और अच्छे से पकाएंगे, तो थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। ये 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब मैं इस टाइम पे इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। अब लगभग हमारी दाल तैयार है, बस इसमें कुछ चीज़ें गार्निश के लिए हम डालेंगे। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घर की मलाई, आप चाहो तो मार्केट की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास घर की मलाई है तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। कुछ देर इसको ऐसे ही पकने दें आप। अब इसमें हम ऊपर से बटर और डालेंगे, इसमें बटर की कंजूसी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये दाल मखनी बन रही है तो इसमें बटर खूब सारा होना चाहिए। ये मैं और इसमें बटर ऐड कर रही हूँ।
क्योंकि इसमें बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब लगभग हमारी दाल रेडी हो चुकी है सर्व करने को और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे और ये और गाढ़ी होती जाएगी। बस हमारी दाल रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।